उनके लिए खास तौर से रखा गया इस कार्यक्रम से वो एक संदेश लेकर के जाएंगे कि हमें आने वाले चुनाव में इन तैयारियों के साथ चुनाव होता है जहां पे सुनी जाती है और जिस पार्टी में सुनी नहीं जाती तो वहां पे नाराजगी लोग कैसे व्यक्त करें। कम से कम कांग्रेस में इतना अधिकार तो सबको है कि अपनी नाराजगी व्यक्त कर सके। बीजेपी में तो बोली नहीं, बीजेपी में तो ना खाता ना भाई, जो मैडम कहे वही सही। लेकिन सर परिवार की तो सिर्फ एक ही जाति होती है और कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो वो जातियों के आधार पे ही वोट बैंक तैयार करती है और अपने प्रत्याशी खड़े करती है। तो ये जो विरोध हुआ था, ये अल्पसंख्यक जो प्रतिनिधि हैं आपके उनकी तरफ से हुआ था कि मंच पर हमारे एक भी जो अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हैं वो मौजूद नहीं है, ऐसा क्यों है? जो PCC में उनके एक भी सदस्य नहीं बनाए जाते जबकि माइनॉरिटी की सबसे ज़्यादा संख्या उदयपुर रीजन में बताई जाती है, तो ऐसा क्यों है? ये भेदभाव जो उनकी नाराजगी बता रही है उसका क्या जवाब है आपको? देखिए उनकी बात सुनी गई अच्छे तरीके से, मैंने उनकी बात सुनी और उनकी बातों को आगे रखा भी जाएगा, संदेह रखा जाएगा और सबको अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है। का मेंबर नहीं बनाया है, ये हमारा विरोध है। वोट हम देते हैं और नेता कोई और बनते हैं और माइनॉरिटी में सब जो जितनी वो रखते हैं ना क्वालिफिकेशन, उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन है लोगों के पास, उसके बाद में जो दर किया। आपने अभी अपनी डिमांड रखी क्या है? और एक चेयर पे मंच पे वो नहीं है माइनॉरिटी का आदमी, तो ये थोड़ी हम दे रहे हैं वोट और कांग्रेस के साथ है 100%। कोई बंटवारा नहीं है, कांग्रेस ही है।